नमस्कार, हम हैं जीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं भैया निष्ठक भोजपुरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी भोजपुरी फिल्म, देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, फिल्म का नाम है इकथा जोकर। हाँ, तो फिल्म का नाम है इकथा जोकर और ये फिल्म अब वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर में जाने वाले हैं और साथ साथ के डिजिटल प्रीमियर में भी जाएगी। तो सब कुछ बताएंगे कब कहाँ कैसे आप इस फिल्म को देख सकते हैं और फिल्म कितना बढ़िया है, जब आप देखिएगा तब ना बताएगा जी। तो सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में जिस फिल्म का नाम है इकथा जोकर। चलिए हम वीडियो को चालू कर ही रहे। देखिए फिल्म का नाम है इकथा जोकर और फिल्म की कहानी एक जोकर के ऊपर आधारित है। देखिए अगर आप लोग ट्रेलर नहीं देखे होंगे, तो मैं बता लेता हूँ कि भैया इस फिल्म का जो कहानी है ना, वो कहानी नहीं, वो कहाँ है हमको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी एक लाइन में आपको बता ही देते हैं। एग्जैक्टली इस फिल्म में जो कहानी दिखाया गया है कि एक एग्जैक्टली मतलब गरीब परिवार रहते हैं, वो जोकर बनते हैं और अपने शरीर पर कोड़े मार मार के और पैसे बिटोरते हैं। और देखिए ना, एग्जैक्टली जोकर का मतलब एग्जैक्टली मतलब पीठ पे कोड़ा मारा नहीं होता है। मतलब अक्सर आप देखे होंगे सर्कसों में जाकर जोकर का मतलब कुछ कलाएँ दिखाना होता है, उड़ती चिड़िया को नीचे गिरा देना होता है, कागज़ से चिड़िया बना देना होता है, ये सब कलाएँ दिखाई जाती हैं भैया जोकर में। अभी कहाँ दिखाया जाता है कि जोकर पीठ पर कोड़े मारता रहता है, ये हिपोक्रेसी की सीमा इसमें दिखाया गया। हाँ, फिर अब आगे की कहानी आपको देखने मिलेगी, कोई गरीब का मतलब गरीब लड़के का बाप है जो भैया शरीर पे कोड़ा मारता रहता है, जो विनोद मिश्रा वो रोल किए हैं। उसके बाद से वो विनोद मिश्रा का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं, फिर यश कुमार छोटे रहते हैं, फिर वो अपने बाप को देखते हैं मरते हुए, तो भैया बहुत दुख होता है। बाकी स्कूल से भी उन्हें निकाल दिया जाता है, फिर वो भी सेम वही पैटर्न करने लगते हैं, घूंघरू बांधते हैं, शरीर पर कोड़े मारते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर उनकी शादी होती है स्मृति सिन्हा से। शादी होने के बाद उनके बच्चे होते हैं, ये कोड़े मार मार के कमा कमा के बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ा कर लिखा कर बढ़िया वाला एकदम भैया आदमी बना देते हैं, लड़का बढ़िया वाला एसटीएम बन जाता है। फिर बाप को चिंता ही नहीं, हाँ बाप माई को चिंता ही नहीं, बाप का इधर कैंसर हो जाता है। अब अजीब अजीब की सारी घटनाएं, फिर बाप कैसे कैसे रोते रोते मरते हैं, या फिर बेटा अपने बाप के पास आता है या नहीं, यही है इस फिल्म का भैया कहानी। अब देखिए ना, आप इस तरह की फिल्म मतलब कहाँ आप देखें भाई कि कोई जोकर अपने शरीर पर कोड़ा मारता है। मैंने देखे तो बताओ ना, हमको तो नहीं लगता, अगर आपको लगता है तो ठीक है। एग्जैक्टली इस फिल्म को बता देते हैं भैया निर्माता है, इस फिल्म का निर्माता है खुद यश कुमार। अब यश कुमार निर्माता है तो भैया जो कहे वो तो भैया मानना ही पड़ेगा, उनको बोल देना कि ये सूरज बीच से उगता है, फिर बोल दें कभी इधर से उगता है, अरे भैया कहीं से नहीं उगता है, जहाँ से उगता है वहाँ से उगता है। लेकिन अब क्या ही बताया जाए भैया, क्या ही बताया जाए। बाकी इस फिल्म को देखिए डायरेक्ट किए हैं सुजीत वर्मा। अब सुजीत वर्मा इस तरह के एक लिमिटेड वाले डायरेक्टर हैं और यश कुमार के साथ अनेकों फिल्मों किए हैं भैया, तो इस फिल्म को भी उसी फ्लो में बना डाले हैं भैया, क्या किया जाए। बाकी साजन मिश्रा की इसमें म्यूजिक भी एक औसत दर्जा के एवरेज दर्जा का है। फिल्म के म्यूजिक भैया साजन मिश्रा थे, और साजन मिश्रा के म्यूजिक के बारे में हम क्या ही कहें, म्यूजिक भी एक एवरेज औसत है। बाकी इस फिल्म का वो कहानी खुद यश कुमार लिखा, देखिए मतलब यश कुमार प्रोड्यूसर है, यश कुमार कहानीकारक है, यश कुमार हीरो है, वाओ वाओ वाओ, मतलब पूछिए मत। अब जब सब कुछ है भैया तो अब मतलब जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा ना, कि जोकर लोग शरीर पे कूड़े मारते हैं, पागल नहीं है यश भैया, हाँ मतलब जोकर लोग पागल नहीं होते हैं कि आपके जैसे कूड़े मारेंगे और फिर पीठ दिखलाएंगे फेसबुक पर, मतलब हिपोक्रेसी के सारे सीमाएं आप पार कर देते हैं हमारा। तो बाकी इस फिल्म के खुद स्क्रीन प्ले बताया तो स्क्रीन प्ले डायलॉग्स एसके चौहान के, अब एसके चौहान का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कितना तगड़ा है आप देखिएगा महाराज, हमको क्या बता रहे हैं। बाकी इस फिल्म को यश कुमार, स्मृति सिन्हा, विनोद मिश्रा, अमित शुक्ला जैसे बड़े बड़े स्टार कास्ट इस फिल्म में शिरकत किए हैं। ये फिल्म बता देते हैं कि भोजपुरी सिनेमा पर 30 सितंबर को रिलीज की जाएगी और दंगल प्ले ऐप पर भी आप इस फिल्म को देख सकते हैं अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन वगैरह हो तो, नहीं हो तो फिर कोनो बात, क्या टेंशन है, एंजॉय करिए। बाकी वीडियो में इतना है, हम जीत।